होगी क्लास। हमने जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि किस तरीके से जो जीन्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो हमारी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक, ये सबको पता है। नेक्स्ट एक चीज़ ये है कि जो जीन्स होते हैं वो हमें एक ही ट्रेट के दो जीन्स मिलते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर वो जन्म लेने वाला है तो जो उसके जो जीन्स होंगे, जैसे उसके आईज़ का कलर डिसाइड करना है, अगर मदर की आईज़ ब्लू हैं और फादर की आईज़ ब्लैक कलर है, तो बच्चा कौन सी आईज़, बच्चे की आईज़ का कलर क्या होगा, या अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए, आप लोग ने भी देखा होगा, या तो आपको अपना ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपको आपके फादर की तरफ से मिलता है, या तो आपको अपना ब्लड ग्रुप जो होता है वो मदर की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि एक ही ट्रेट के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही चीज़ के लिए हमें दो जीन्स मिल रहे हैं, पर वही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो कि डोमिनेंट होता है। ठीक है, वो दूसरे जीन्स के ऊपर डोमिनेंट होता है, वही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वही ऑफस्प्रिंग में उसी जीन का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जो रिसेसिव वन वाला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो रिसेसिव वन वाला है वो उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि मैंने आपको ये आईज़ के कलर के लिए बताया था, तो ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है, तो ब्लैक वाला ज़्यादा डोमिनेंट है, तो नेक्स्ट जो बच्चा हुआ है उसको जो है उसका जो आँखों का कलर है वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी आगे आने वाली, उस बच्चे की आगे आने वाली जनरेशन में जब देखा गया, तो हो सकता है जो नेक्स्ट जो चाइल्ड जो बॉर्न हो उसकी आईज़ का कलर जो है वो क्या हो जाए, ग्रीन या फिर ब्लू। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि एक जीन्स डोमिनेंट होता है, एक जीन्स रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पर जो रिसेसिव जीन होता है वो मे बी आपको नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकता है, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये क्या है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस यानी कि ट्रेट्स एक्सप्रेस करने की क्या प्रिंसिपल्स है, क्या लॉज है, किस तरीके से इनहेरिटेंस या ट्रेट्स जो होते हैं वो वन जनरेशन टू टू सेकेंड जनरेशन पास ऑन होते हैं, और जो वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, देखिए यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं पहले जॉर्ज मेंडल की। जॉर्ज मेंडल जो हैं, ही इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, उन्होंने ही इन सब चीज़ों की डिस्कवरी की थी, यही वही इस दुनिया में ये टर्म लेके आए थे, इसलिए ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक। ही हैज़ गिवन मिनी लॉज रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाई वन इन दिस चैप्टर डिटेल। तो पहला हम पढ़ते हैं, दैट इज़ मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस तरीके से लॉज दिए हैं इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आने वाले करेक्टर्स के लिए उन्होंने किस तरीके से लॉज दिए हैं, किस तरीके से स्टडी की है, वो हम इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवेज वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो बात है वो मिड 19th century की बीच की बात है। तो जॉर्ज मेंडल जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हमने कहता है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो हाइब्रिड्स को आपस में इंट्रैक्ट कराना, फ्यूज़ कराना। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, गार्डन स्पीस के कैरेक्टर्स के ऊपर किया था, और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको 7 years से उन्होंने इस चीज़ की स्टडी करी। अब आप सोचो कि इसी चीज़ की खोज करना कोई आसान नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बताया। ठीक, अब ड्यूरिंग
ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years ही प्रपोज द लॉस सॉरी ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी. ये फर्स्ट टाइम था कि बायोलॉजी में इन प्रॉब्लम को इस चीज़ को समझने के लिए हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करी थी, मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई किए थे. हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड ऑल्सो. ये जो एक्सपेरिमेंट उसने कंडक्ट किए थे उनका जो सैम्पल साइज था वो बहुत ही लार्ज था, मतलब उसने बहुत ही लार्ज मात्रा में सैम्पल्स को कलेक्ट किया था जो कि डाटा की क्रेडिबिलिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सके. ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू द जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रदर दैन बींग द अनसबस्टेंट आइडियाज. इस इन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी जो इन्फ्रेंसेस यानी जो रिजल्ट आए थे जो कंक्लूजन थे उन्होंने इसके रिजल्ट जो है सक्सेसिव जनरेशन में देखा जब उन्होंने जो प्लांट टेस्ट प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया था. ठीक है, उन्होंने इन टेस्ट को कंडक्ट करके इनहेरिटेंस के कुछ जनरल रूल्स के बारे में हमें बताया. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट फॉर manifested as two opposing trait, for example tall or dwarf plant, yellow or green seed. जो मेंडल थे उन्होंने कैरेक्टर्स को स्टडी किया, गार्डन पीस के कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उन्होंने दो अपोजिंग ट्रेट्स लिए जैसे कि टॉल और डार्क प्लांट्स को लिया, मतलब पीस के ही दो तरीके के प्लांट लिए जो कि एक टॉल था और एक दूसरा डार्क था, और एक प्लांट्स के जो सीड्स थे वो येलो कलर के थे और दूसरी के ग्रीन थे. ठीक है, बट बोथ आर द पीस प्लांट बट देयर स्पीशीज आर डिफरेंट. दिस अलाउड हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच हैज़ एक्सपेंडेड बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम. ठीक, इन्होंने जो है बहुत सारे जो है डिवाइसेस डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस देखे जो कि कॉम्प्लेक्सिटी जो इनहेरिटेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको उनके बारे में हमें बताते हैं, नॉलेज देते हैं. मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस. मेंडल्स ने जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशंस के एक्सपेरिमेंट किए जो कि पी लाइंस जो कि ट्रू पी लाइन ब्रीडिंग पी लाइंस होते हैं, जो ब्रीडिंग पी प्लांट्स थे उनके ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए. अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन. एक जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है वो एक वो प्रजाति होती है जिस जो कि अपने आप ही अपने अंदर जो है कंटिन्यूस उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है. इट शोज़ द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन. क्योंकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जो उनमें जो ट्रेट्स आते हैं वो हमेशा स्टेबल यानी कि एक ही जैसे आते हैं. ठीक है, सेवरल वन जनरेशन टू अदर, क्योंकि पॉलिनेशन खुद ही के बीच में चल रहा है तो वेरिएशंस होने का कोई चांसेस नहीं होता है, यानी डिफरेंसेस नहीं होते, भाई सेम चीज़ें ग्रो होती हैं. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज. उन्होंने इसी तरीके से 14 प्री ब्रीडिंग पीस प्लांट्स की वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया एज पेयर्स वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. उन्होंने उन सारे पेयर्स को कलेक्ट किया जिनमें सिमिलर तरीके की चीज़ें थी, बस उनमें एक कैरेक्टर जो था डिफरेंट था जो कि उसकी अपोजिट था यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था. ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में थे. सम ऑफ द कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट्स जो सेलेक्ट किए गए थे, जो अपोजिट ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे वो क्या थे, स्मूथ और रिंकल्ड सीड. दो प्लांट थे, एक का प्लांट का जो सीड था वो स्मूथ था और दूसरे के कैसे थे, रिंकल्ड थे. एक जो है प्लांट के जो सीड्स थे वो येलो थे, दूसरे के ग्रीन कलर के थे. ठीक है, एक में स्मूथ पॉट्स थे, छिलके थे, और एक में इन्फ्लेटेड शेप था.
एक में ग्रीन थे, एक में येलो थे, एक प्लांट जो है टॉल था, दूसरा प्लांट जो था वो डार्फ था, छोटा था। देखिए फिगर 5.1 में ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं दिए हुए हैं कि उन्होंने इस तरीके से अपोजिट जो है ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था। नाउ द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अब हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने एक जीन को किस तरीके से, कैसे एक जीन को लेके इनहेरिटेंस की चीज़ों को प्रूव किया था, क्या किया था, एक जीन को कंसीडर किया था अभी इसमें। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस द टॉल एंड द डार्फ प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक क्रॉस प्लांट उन्होंने क्रॉस करवाया, एक किसको क्रॉस कराया था, एक टॉल और एक डार्फ पी प्लांट को आपस में क्रॉस कराया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रो देम टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। उन्होंने जो दोनों को क्रॉस कराया तो जो सीड्स उत्पन्न हुए उन्होंने उस सारे सीड्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उनको ग्रो कराया ताकि उनको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन देखने को मिले कि वो किस तरीके की हुई है। दिस फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन इज कॉल्ड द फिलियल और प्रोजेनी और द F1, इसको उन्होंने नाम दिया F1 प्रोजेनी। ठीक है, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया देखा, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी F1 प्रोजेनी के जो प्लांट्स थे वो सब कैसे थे, टॉल थे, जिसमें से उनके दो कैरेक्टर लिए थे ना, एक का एक प्लांट स्मॉल था, एक प्लांट बड़ा था, टॉल था। तो जो जो पहली जनरेशन के जो भी उनको प्लांट्स प्राप्त हुए, जो वो कैसे थे, वो सब के सब उन्होंने किस तरीके से ग्रो किया था, टॉल ग्रो किया था। ठीक है, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड, इसी तरीके से उन्होंने दूसरे जो भी ट्रेड्स थे उनके बारे में भी इसी तरीके से उनको ग्रो करवाया और उन्होंने सब में पाया कि जो भी F1 भी थी उनमें जो जो कैरेक्टर आ रहे थे वो दोनों पेरेंट्स के मिले जुले कैरेक्टर नहीं आ रहे थे, उनमें दोनों में से कोई एक ही, उन दोनों पेरेंट्स के दो में से किसी एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा था सभी के ऊपर। ठीक, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड टू दिस सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलहाल टू जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्रॉप। अब मेंडल ने क्या किया, इन्हीं जो प्लांट्स थे उनको क्या किया, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो जो F2 जनरेशन के जो सीड्स प्रेजेंट हुए जब वो उन्होंने ग्रो किया तो उनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो कैसे थे, डार्फ पी आए, जबकि उन्होंने टॉल वाले को ग्रो कराया था, टॉल वालों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, लेकिन जो उनमें सीड जो आए उसमें क्या थे, सारे टॉल नहीं थे, कुछ डार्फ पी आए। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डार्फ वेयर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल। इनमें से जो आधे से ज़्यादा जो प्लांट जो उन F2 जनरेशन में मिले थे वो टॉल थे, लेकिन उसमें 1/4 जो प्लांट का जो हिस्सा था वो कैसा था, डार्फ था। यानी अगर चार में से तीन देखा जाए तो तीन जो थे टॉल प्लांट थे और एक डार्फ प्लांट था। ठीक है, द टॉल एंड द डार्फ ट्रेड्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज़ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर ईदर टॉल और ड्राफ्ट, नन ऑफ देम बिटवीन द हाइट। यानी कि जो भी प्लांट्स प्राप्त हुए थे या तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर टोटली तरीके से डिपेंड थे, यानी कि मिक्स चीज़ें नहीं थी, या तो वो टॉल थे या तो वो ड्राफ्ट थे, मतलब बीच की कोई मीडियम हाइट नहीं थी उन लोगों की। सिमिलर रिजल्ट फॉर ऑप्टेंड विद द अदर ट्रेड दैट ही स्टडीड, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन वाइल एट द F2 स्टेज बोथ। जो सिमिलर रिजल्ट जो है उन्होंने अदर ट्रेड जितने दूसरे ट्रेड्स थे उनको के में भी स्टडी किया और वही सेम चीज़ें पाई कि F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स आ रहे थे वो अपने किन्हीं दो पेरेंट्स में से किसी एक के कैरेक्टर्स को लिए हुए थे, जबकि जो F2 स्टेज के थे उनमें से जो प्रोपोर्शन वो था वो 3:1 का प्रोपोर्शन आ रहा था। यानी कि उसमें से 3/4 प्लांट्स के एक कैरेक्टर थे, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर था, और दूसरे और एक प्लांट का रिसेसिव कैरेक्टर था। ठीक,
नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वर बीइंग स्टेबली पास डाउन। उनकी इन ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसा है जो कि स्टेबली जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हो रहा है, और वो भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही पास हो रहा है। फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेट है या कुछ ऐसी चीज़ है जो पास हो रही है, एज इट इज़ पास हो रही है। ठीक, ओवर सक्सेसिव जनरेशन ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज अ फैक्टर्स। उसने उस टाइम पे इन इस चीज़ को क्या नाम दिया था, फैक्टर्स नाम दिया था। अब आजकल हम इनको क्या बोलते हैं, जीन्स। देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे क्या फाइंड आउट हुआ कि जीन्स ही वो तत्व हैं जो कि यूनिट हैं, जीन्स ही वो बेसिस हैं जो कि इनहेरिटेंस का बेसिस कौन है, जीन्स है। ठीक है, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा ट्रेट जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस होगा। ठीक, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। और वो जीन्स जो कि किसी भी एक कॉन्ट्रेस्टिंग, जो मतलब एक ही चीज़ के लिए कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट्स को शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एलील्स। देखिए मैंने बताया था, अब जैसे कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए, कैरेक्टर के लिए दो जीन्स आ रहे हैं, एक जीन आ रहा है फादर की तरफ से, एक जीन्स आ रहा है मदर की तरफ से। ठीक है, तो उसने उस टाइम पे उनको क्या बोला है, एलील्स बोला है। दैट इज़ दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। इसका मतलब ये है कि ये एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक, इफ़ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज एंड द स्मॉलर अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट। अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स को अगर पढ़ें इसको स्टडी करने के लिए, तो जो कैपिटल लेटर है वो उस ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि F1 स्टेज में आई है, और जो स्मॉल अल्फाबेट है वो उस ट्रेट को करेगा जो कि रिसेसिव है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम हाइट की बात करें तो टी इज़ यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी इज़ यूज फॉर डाफ। फाइन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड टी एंड टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर, और यानी कि टी और टी, स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी TT, TT और TT। तो ये चीज़ देखी गई कि जो हमें ट्रेट्स मिलते थे वो कैसे थे, या तो TT थे, मतलब दोनों तरफ से आ रही, या तो TT होंगे, या कैप वन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड द अदर वन लास्ट वन इज द स्मॉल टी, बोथ आर द स्मॉल टी। मेंडल्स ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्राफ्ट पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ द जीन फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल और द होमोजेगियस TT एंड TT रिस्पेक्टिवली। जो मेंडल्स हैं उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि जो ट्रू ब्रीडिंग मैंने आपको समझाया था ना, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, तो जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्राल और ड्राफ्ट ट्री वेराइटीज़ है, जो पेयर एलील्स पेयर ऑफ जीन्स हैं, जो उनकी हाइट के जो जीन्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और होमोजाइगस होते हैं। जैसे या तो ये TT होते हैं या तो स्मॉल TT होते हैं। ठीक, TT एंड TT, कैपिटल टी, कैपिटल डबल टी एंड कैपिटल डबल एंड स्मॉल डबल टी आर द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डाफ आर द फीनोटाइप। ठीक है, तो जो ये जो है क्या है, इसका जीनोटाइप है क्योंकि क्रोमोसोम्स है, और जो फिजिकल ट्रेट्स हमें दिख रहे होते हैं वो उनको हम क्या कहेंगे, फीनोटाइप। एस मेंडल द फीनोटाइप ऑफ द F1 हाइट्रोजाइगट एट TT टू बी एग्जैक्टली लाइक द TT पैरेंट इन अपीयरेंस। ठीक है, चाहे भले ही जो है जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो अगर किसी प्लांट में प्रेजेंट है, पर जो उनको फीनोटाइप जो शो होगा वो कैपिटल डबल टी के ही तरह शो होगा, यानी कि अगर टॉल ट्री है तो टॉल ट्री की तरह ही शो करेगा, वो डॉफ ट्री भी शो करेगा अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रोमोसोम्स भी हैं उसके पास। ठीक,
एज पेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हाइट्रोजाइगट TT टू बी एग्जैक्टली लाइक द TT पेरेंट इन अपीयरेंस, ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेंट एंड अदर इज द रिसेसिव। देखो जो F1 वाला जो ये F2 वाली जो प्रोजेनी है उसमें जो कैपिटल टी स्मॉल टी के जो भी प्राप्त होते हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के प्राप्त होने में भी जो कैपिटल टी वाला है क्योंकि वो डोमिनेंट है तो इसीलिए उसका फिनोटाइप जो है फिजिकल फीचर उसके दिखेंगे, जबकि जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है तो उसके फीचर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, इन दिस केस टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव। ही ऑब्जर्व दैट आइडेंटिकल बिहेवियर ऑफ ऑल अदर कैरेक्टर एंड ट्रेट प्रेयर्स टू दैट टू बी ही दैट ही स्टडीड। उन्होंने सारे ट्रेड्स को करके देखा, उनको सेम ही रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द कैपिटल एंड द लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिम्बल टू रिमेंबर दिस एक्सेप्ट फॉर डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ठीक है, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को इसलिए किया गया है, जो कैपिटल वाला है वो उसके लिए है। ओके, तो मैं आपको यहीं तक आज पढ़ा रही हूँ कि देखिए जो कैपिटल जो डबल टी थे वो जो थे वो होमोजाइगस थे, जो स्मॉल टी थे वो भी होमोजाइमगस हैं, लेकिन जब हमने कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी का क्रॉस कराया तो हमें टी कैपिटल टी और स्मॉल टी भी मिला। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेस होंगे कैरेक्टर वो डोमिनेंट वालों के ही एक्सप्रेस होंगे, यानी कि जो कैपिटल वाला टी का जो फीचर होगा वही एक्सप्रेस होगा। जो कैपिटल टीज हैं और स्मॉल टीज हैं वो हैं जीनोटाइप, और जो फीचर्स एक्सप्रेस होते हैं वो हो रहे हैं जीनोटाइप। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों को मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बताऊँगी। टिल दैट टाइम आप लोग इसको रिवाइज करिए और इसको समझिए, जीनोटाइप व्हाट इज़ जीनोटाइप, व्हाट इज़ फिनोटाइप, व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज़ हेटरोजाइगस। ठीक, व्हाट इज F1 प्रोजेनी, व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। ठीक है, तो रिवाइज इट एंड रीड द टॉपिक। थैंक यू।